अभी अभी फिलहाल अच्छा काम किया है, जहां 29 नक्सलियों को मार गिराया छत्तीसगढ़ में, बहुत अच्छा इतिहास रचे हैं। मैं इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जैसे ही बीजेपी का विष्णु देसाई मुख्यमंत्री बने और बस्तर कांकेर जिला के अंतर्गत वांटेड शंकर राव का खत्मा किए, बहुत गर्व की बात है हमारे भारत और छत्तीसगढ़ के लिए। मैं अपने मुख्यमंत्री को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जितना भी पीएससी घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला, शराब घोटाला हुआ है, सबको, जितना भी अपराधी हैं उनको सजा दिलाइए। हम आपके साथ हैं, हम जनता आपके साथ, छत्तीसगढ़ की जनता आपके साथ। आप गारंटी दिए थे, डाल तो दिए, चल महतारी योजना वाला वो भी करी से, प्रधानमंत्री योजना वाला सबका घर बनाते वो भी दी से, बेचारा देते तो है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महतारी योजना, लाभ मिल रहा है सभी को, जो जरूरतमंद महिलाओं को मिल रहा है। जी जी, मिला है। हाँ, किस तरह से? 100% का अंदर है इसमें जी। अच्छा, अच्छा काम हो रहा है। कांकेर की सड़कें बनी हैं। कांकेर में मतदान से पहले एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें 29 जो है नक्सली ढेर हुए हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, साय की सरकार पे हुआ है ये सब चीज़। राज्य सरकार का मामला होता है ना, राज्य की आंतरिक सुरक्षा का मामला होता है। क्या देखते हैं? बहुत बढ़िया लगता है, काफ़ी जो है 25-27 लाख के जो है इनामी जो नेता थे उनके, कमांडर थे उनके, वो भी ढेर हो गए। जी 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 जी। तो आपको लगता है कि इस तरह से अगर होगा तो यहाँ बड़ी शांति व्यवस्था हो जाएगी, विकास होगा? हाँ, विकास होगा, क्योंकि का जो है पहला जो है एक्शन है ये, किस तरह से देखते हैं आप? बहुत बढ़िया है, यहाँ की विष्णुदेव सरकार की ठीक है, नक्सल मुक्त हो जाएंगे छत्तीसगढ़। यही जी देखा होगा जी। अच्छा, पिछली सरकार में आपने जो वादे करे थे उन्होंने कि हम शराब बंदी करेंगे, ये नहीं हो पाया, शराब में बड़ा घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, ये तमाम चीज़ें, और ये महादेव ऐप्स का घोटाला हुआ, तो ये क्या हुआ, क्या लगता है आप? आगे और कार्रवाई कर ही रहे हैं ये लोग तो। अच्छा, कार्रवाई कर रहे हैं जी, कार्रवाई चलेगी ना? चलेगी, विश्वास है जी फिर कार्रवाई होगी, जितने भी घोटाले होगी विष्णुदेव सरकार की साया है ये, कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है, कांग्रेस हर मुद्दे हर मन से कह रही है कि ये सरकार जो है अभी लोकसभा चुनाव है, इसलिए जो है हमारे एक एक नेताओं को अंदर करने के मूड में है। नहीं नहीं नहीं, जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ऐसा करके मोदी जी खुद बोल रहे थे उस दिन, न्यूज पे देखा था मैं जी। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ। मोदी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि 400 पार और इसके माध्यम से आप विष्णुदेव साय के माध्यम से उनको माध्यम रखते हुए आप छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट मोदी जी के ऊपर जी। आपके आदिवासी क्षेत्र से जो है मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, कितना काम हो रहा है? अभी तो शुरू है, अब देखते हैं क्या करते हैं मुख्यमंत्री जी। हाँ, कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं काम, ठीक है, सही है, उम्मीद है, अच्छा उम्मीद है, उम्मीद है अच्छा काम करेंगे जी जी। क्या लगता है आपको, हमें देश के लिए जो है नेतृत्व देना है, प्रधानमंत्री देना है, तो आखिर में क्या लगता है आपको इस बार प्रधानमंत्री का चुनाव क्या रहेगा, कौन प्रधानमंत्री चाहिए इस बार? मेरे को तो लगता है मोदी लहर चल रहा है तो मोदी ही आ सकता है वैसे तो। और काम के आधार पे देखेंगे ना आप लहर, तो काम कैसे हुआ? काम तो अच्छा किया है मोदी जी, अच्छा किया। और इसी के आधार पे यहाँ पे विष्णुदेव साय जी भी हैं, उनको क्या उम्मीद है आपको? डबल इंजन की सरकार रहेगी तो अच्छा विकास होगा? अच्छा विकास होगा, केंद्र में भी यार बीजेपी का रहेगा और राज्य में भी बीजेपी का रहेगा तो अच्छा विकास होगा जी। तो मुख्यमंत्री पे आपको ट्रस्ट है कि मुख्यमंत्री एक तो ग्राउंड लेवल से हैं और भौगोलिक परिस्थितियों भी जानकारी रखते हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा विकास करेंगे विष्णुदेव साय? अच्छा विकास करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़िया है, अच्छा विकास करेंगे। व्यवस्था की भी बात है कि व्यवस्था, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, अभी अभी फिलहाल अच्छा काम किया है, जहां 29 नक्सलियों को मार गिराया छत्तीसगढ़ में, बहुत अच्छा इतिहास रचे हैं। मैं इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ऐसे ऐसे दुर्दांत जो है नक्सली थे जिनमें 27-27 लाख और 25-25 लाख की जो है इनामी घोषित कर रहे थे। हाँ, शंकर राव जैसे वांटेड नक्सली को मार गिराए, हमारे गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ की शुरुआत ठीक है, अच्छी हुआ। कानून व्यवस्था जो है विष्णुदेव साय के जो है अंडर में है ना, राज्य की, राज्य के अंदर सही शुरुआत हो रही है। सही शुरुआत हुआ, जैसे ही बीजेपी का विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने और बस्तर कांकेर जिला के अंतर्गत वांटेड शंकर राव का
खत्मा की है, बहुत गर्व की बात है हमारे भारत और छत्तीसगढ़ के लिए। बहुत अच्छी बात है। और आपको ये लगता है कि अब छत्तीसगढ़ में जो है नशा मुक्ति होगी, शराबबंदी भी होगी, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, ये उम्मीद रखते हैं आप? यही उम्मीद रखते हैं ताकि हमारा छत्तीसगढ़ भी अच्छा विकास करे, नशा मुक्ति हो, शराबबंदी हो। ऐसे पिछले जो आपने जनादेश बदला है, भूपेश बघेल सरकार को आपने भार किया है, उसमें कई घोटाले उजागर हो रहे हैं। महादेव ऐप घोटाला है, सट्टा घोटाला है, ये कोयला घोटाला है, शराब घोटाला है, पीएससी घोटाला है, तो ये तमाम घोटालों पे अगर जांच चल रही तो आप चाहते हैं कि निर्बाध रूप से ये जांच चलती रहे? आपको मैं चाहता हूँ कि ये सब घोटालों का जांच हो और अपराधी को सख्त से सज़ा मिलना चाहिए। मिलनी चाहिए। लेकिन वे लोग जो है कांग्रेस कह रही है कि हमें जो है लोकसभा चुनाव हैं, इसलिए हमें तमाम जो है सीबीआई, ईडी, तमाम जांच एजेंसियां हमारे पीछे लगाई हुई है, इसलिए हमको बदनाम करने के लिए, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? नहीं, मैं ये सब राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन मानता हूँ कि जो अपराध किए हैं उसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। मिलनी चाहिए। जिसने गलत किया होगा उसको सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। विष्णुदेव साय भी आपको पूरा ट्रस्ट है? जी। मैं क्या संदेश देना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री को? मैं अपने मुख्यमंत्री को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप जितना भी पीएससी घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला, शराब घोटाला हुआ है, सबको, जितना भी अपराधी हैं उनको सजा दिलाइए। हम आपके साथ हैं, हम जनता आपके साथ, छत्तीसगढ़ की जनता आपके साथ। तो कैसे है विष्णुदेव साय? कैसे विष्णुदेव साय जी? बहुत अच्छे हैं। अभी तो चुनाव हुआ है कुछ दिन पहले, अभी धीरे से देखते जाओ तरक्की करेंगे, इतना तो विश्वास है। हाँ, अच्छा काम। भूपेश बघेल से भी अच्छा काम, प्रधानमंत्री देना है इनके माध्यम से, जो अभी मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के बड़े नेता है जो है प्रधानमंत्री कौन है हमारे देश के? नरेंद्र मोदी जी। जी, किसानों को लाभ दिया है, धान में जो है सब्सिडी दी है इस सरकार ने, आप मानते हैं? जी। अच्छा होगा ना आगे भी काम? बहुत अच्छा होगा जी। तो मुख्यमंत्री अच्छा काम करेंगे जी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये कांकेर और ये तमाम जगह, यहाँ पर बड़ा एक्शन हुआ, 29 जो है नक्सली ढेर हुई है, इस सरकार ने पहला जो है एक्शन लिया है विष्णुदेव साय ने, किस तरह से दिखते हैं आप? अब इसके बारे में तो मैं मुझे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मुक्त करना चाहते हैं आप यहाँ पे शांत करना तो चाहते हैं, शांति चाहिए माहौल वहाँ। शुरुआत कैसे देख रहे हैं आप कि मुख्यमंत्री अच्छा काम करेंगे, छत्तीसगढ़ विकास कर पाएंगे? जरूर अच्छा करेंगे सर, क्योंकि शुरुआत अच्छा है तो केंद्र में मोदी जी हैं, यहाँ पर ये विष्णुदेव साय हैं, डबल इंजन की सरकार रहेगी तो अच्छा विकास होगा? हाँ, अच्छा होगा सर विकास, डबल हो चाहे सिंगल हो सर, पर विकास तो हो रहा है तो अच्छे से होगा ही। गारंटी दे रहे हैं, कितना विश्वास है प्रधानमंत्री गारंटी पे? सर पूरा विश्वास है, जो हो गारंटी दे रहे हैं तो मिल रहा है, लाभार्थी जो भी चीज़ बोल रहे हैं वारंटी उसमें सब चीज़ मिल रहा है। तो आप किसको देना चाहते हैं अभी? अब हम माननीय मोदी जी हैं, उनको देना चाहूँगी जी। विष्णुदेव साय आपको खड़े उतरेंगे अपने जो है वादों पर? जी सर। क्या नाम है आपका? भावना चौहान। यहीं के रहने वाले हैं ना आप? कितना देखते हैं आप जो है, आपको जो 1000 रुपये के जो है लाभ मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है। हो गया? क्योंकि आपने जो है कागजी कार्रवाई ठीक ठाक किया। हाँ। आगे भी उम्मीद है आपको अच्छा काम होगा? हाँ। मुख्यमंत्री कैसे काम कर रहे हैं? बहुत अभी तो। विष्णुदेव साय, क्या नाम है आपके मुख्यमंत्री का? विष्णुदेव साय। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा साय तरीके से काम करेंगे, साय मैंने जल्दी अच्छा काम। हाँ, जैसा नाम है वैसे काम भी होगा। अभी हमने जो है ना, आप हम वोट करे हैं और लोकसभा हमें देश में जो है प्रधानमंत्री चाहिए, तो कौन प्रधानमंत्री चाहिए आपको? नरेंद्र मोदी। कोई विकल्प नहीं है? नहीं। कई दूल्हे बने हुए हैं जो है विपक्ष में, बोल रहे हैं कि हम बरादरी के चल रहे हैं, लेकिन दूल्हा नहीं बता रहे हैं, लेकिन सभी को उम्मीद है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। जितना बड़ा विपक्ष है उनमें लगता है आपको कोई प्रधानमंत्री बनने लायक? नहीं, मोदी जी विकल्प कोई नहीं है? नहीं। आपको लगता है कि ये अच्छा काम होगा? काम, यहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक है? ठीक है। आप लोगों को कोई जो है दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। सुरक्षा के उसमें आपको डर तो नहीं लगता? नहीं। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैडम जरा आप भी बात करिए इधर हमको देखिए, तो क्या नाम है आपका? ठीक मिल रहा है आपको? 1000 रुपये मिल रहा है आपको? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। महतारी बंधन योजना का लाभ आपको मिल रहा है? मिल रहा है। कोई निर्बाध है ना, कोई उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है? नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये सरकार काम करेगा, जो वायदे करे थे उसको पूरा करेगी ये सरकार? पता नहीं। विष्णुदेव साय जो है आपके मुख्यमंत्री हैं, कैसे लगे आपको मुख्यमंत्री? ठीक है तो लग रहा है भाई। ठीक ही लग रहे हैं। तो उनके आधार पे जो उन्होंने घोषणा करी थी एक एक करके जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है? हो तो रहा है। हाँ। इसको आपको प्रधानमंत्री देना है? हाँ। प्रधानमंत्री कौन चाहिए आपको? वही मोदी चाहिए आपका। अच्छा,
चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं देश में, तो सब लोग कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, तो आपको केवल मोदी चाहिए? अब यही मोदी छे तो बने करा थे, तो मोदी से लाग ही गया उका। अच्छा, लाइक है मोदी। आओ, लाइक है। वो जो बोलते हैं उनकी बातें समझ, गारंटी देते हैं बस समझ में। अब गारंटी दिए थे डाल तो दिए, चल महतारी योजना वाला वो भी करी से, प्रधानमंत्री योजना वाला सबके घर बनाते वो भी दी से, बेचारा देते तो है। मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, माताओं बहनों की सुरक्षा की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, आपको लगता है ये लोग करेंगे? कर तो रहे हैं भाई। हाँ कर रहे हैं ना, विश्वास है ना? हाँ।